सर माय यूट्यूब किचन फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी दादी, आज तक हमने मुख्तलिफ किस्म की डिशेज बनाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई डिश बनाई जाए और आप लोगों को उसका नया तजुर्बा है। आज हम बना रहे हैं टमाटो कैसर। अब ये डिश जो है मैंने किसी से बाद अपलोड करनी है, शायद उसको टमाटो थोड़े से महंगे हो जाए, तो लेकिन आज के चार टमाटो सकते हैं, तो हमने सोचा चले जनाब बाजार से आपकी महंगी उसके लिए मैंने तो तकरीबन लिए हैं 1.5 किलो टमाटर। और अब आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अपनी रेसिपीज की उसको ना सेट कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने लिए 1.5 किलो टमाटर, उनको मैंने ना इस तरह क्यूब्स में भी नहीं काटा और थोड़ा छोटा भी नहीं किया। ये देखें, क्लोज करें इसको, ये देखें ऐसे काट दिया। हम सारे टमाटर इसी तरह काट लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होंगे उसमें डालने के लिए थोड़ा सा लहसुन, लहसुन भी आप 7-8 जबे ले लीजिएगा। और मुझे चूंकि अदरक का टेस्ट थोड़ा सा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े साथ अदरक भी रखी है। आप चाहें तो आप ना डालें अदरक। और उसके लिए हमें 1 किलो टमाटर को तो मैंने ली है ना तकरीबन 1/4 कप चीनी, यानी कि 2/3 कप चीनी ली है। और 1/2 कप हमने लिया है वेनेगर, वाइट वेनेगर। ये देखें, क्लोज करें इसको, ये वेनेगर है। और हम उसमें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्ब टेस्ट, और थोड़ा सा उसको स्पाइसी बनाने के लिए हम उसमें चिली डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने तकरीबन 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च लेंगे, और ये फूड कलर है जो हम जर्दे में डालते हैं, आपको मार्केट से आसानी मिल जाएगा। ये तकरीबन 2 या 3 पिंच फूड कलर लेना है, बहुत थोड़ा लेना है। अच्छा चले, अब हम टमाटर काटते हैं। ये तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। और आप सुनाएं, आप लोग सब ठीक हैं, कैरियर से हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको डिशेस कैसी लग रही हैं, अच्छी बन रही हैं या नहीं बन रही। उनका टेस्ट तो जाहिर बात है, जब इसी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो टेस्ट तो अच्छा ही आएगा यकीनन। अब हम टमाटर काट रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि टमाटरों को ऐसे ले के काट के अपने पतीले में डाल देती हूँ। चले जनाब, आप थोड़ा सा टमाटर की कटिंग देख लें, क्योंकि अगर हम बहुत थोड़ा काटेंगे और अनइक्वल साइज का काटेंगे तो वो जो है कोई टमाटर बिल्कुल पिचक जाएगा, कोई टमाटर जो है वो अनगला रह जाएगा, गलेगा नहीं, और वो आपको फिर एंड में ग्राइंड करते हुए तंग करेगा। हमने पैन में डाल दिया सब चीजों को, अब उसमें हम टमाटर डाल रहे हैं सारे। ऐसा करें कि उसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे इतना चूल्हा जला के इसको ताकि टमाटर हमारे जो है वो बिल्कुल वो हो जाए, नरम हो जाए, गल जाए ना। इसमें कोई चीज नहीं मिक्स की, सारी चीजें जो है वो ऐसे ही पड़ी हैं। फिलहाल अभी हम टमाटरों को दिखाएं, क्लोज दिखाएं ना। ये देखिए, अब टमाटरों को ना हमने अभी इनको अपने ही पानी में इनको तकरीबन नरम होने के लिए इस आँच पर रख दिया है। आँच पर दिखाएं, ये देखिए, हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं टमाटरों का क्या हाल है। अब अच्छा, हम देखें, हमने जो अपने लहसुन अपने लिए थे ना, हम उसमें वो डाल देंगे, और 1/2 चम्मच हम नमक इसमें स्प्रे करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। और हम इसके अंदर अपना, तो मैंने आपको बताया था कि 1/2 हमारे पास सिक्का है, हमने वो डाल दिया, ठीक है। अब इसको आप दोबारा उसी आँच पर कवर कर। हाँ जी, 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको खोलते हैं। वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है ना, कितना खूबसूरत है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको अपने करना है स्नैप ग्राइंड। आपके पास ग्राइंडर मशीन ना हो, हैंड हैंड ग्राइंडर ले लें। मेरे पास ग्राइंडर मशीन है, तो मैं उसको जग में इस तरह निकाल कर इसको ग्राइंड करूँगी। देखिए प्योरी प्योरी दिखाएं, इसकी प्योरी अभी भी बन गई है, लेकिन ना इसको बिल्कुल
मिक्सचर बनाने के लिए ना इसको हमें अच्छे तरीके से ग्राइंड करना पड़ेगा। सारा अपना मिक्सचर इस पे डाल दिया, अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करूंगी। आपने इसका मिक्सचर जो है देखिए, ऊपर से मैंने कवर उतारा हुआ है ये देखिए, ताकि इसकी ना आपको अंदर से नजर आता रहे और कितनी खूबसूरत इसमें से स्टीम निकल रही है ना। अभी इसको तकरीबन बहुत देर के लिए हम ग्राइंड, ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है पेस्ट का। अब हम इसमें अपना थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, मैंने वो ज्यादा नहीं ऐड किया। अगर आपको बहुत इसको रेड बनाना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं रेड, ठीक है। और मैंने अब इसमें चीनी भी डाल दी, चीनी मैंने आपको बताई थी कि 2/3 कप दीजिएगा। अब हम इसको चीनी डाल दिए इसमें, अब हमने इसको ना थोड़ा सा अभी गाढ़ा नहीं है, ये पतला है, ठीक है। तो मैं इसको मजीद अभी कुक करेंगे हम, और इसको चूंकि थोड़ा सा स्पाइसी भी बनाना है, मुझे इतने स्पाइसेस पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी इसमें हल्का सा स्पाइस ऐड करती हूँ ना। ये मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली डाली है, और इसको मजीद उतनी ही आँच पे इसको मैंने मजीद कुक करने के लिए रखा है। इसको आपको खोने दें तकरीबन आपकी 10-15 मिनट में, आँच पे इसको रखेंगे हमारा हो जाएगा। और ये देखिए सर कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत खूबसूरत है। पहले जब इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं कवर करके, ऐसा भी नहीं हो कि आप इसको बिल्कुल नीचे लगा दें, इसमें चम्मच मारते रहिएगा ना थोड़ी देर बाद। इसको 10 मिनट के लिए हम रखेंगे, अभी 10 मिनट बाद हम इसको दोबारा देखेंगे। ये देखिए वाओ क्या खूबसूरत कलर आया है, ऐसे लगता है किसी ने वाकई नेस्टल का केचप निकाल के पैन में डाल दिया है। अब हम इसका स्टोव ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना थिक प्योरी बनी है इसकी, और आई विश कि आप इसको टेस्ट कर सकते थे, आप इसको टेस्ट करें तो ये बहुत यम्मी बना है। वाओ, और जो इसकी खुशबू आ रही है, हम अगर बाजार वाले केचप को गर्म करें ना तो उसकी भी शायद ऐसी खुशबू, इतनी फ्रेश खुशकी भी ना हो। हाँ जी, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है, ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, और इसका टेस्ट भी बहुत खूबसूरत हो गई है। यम यम यम, बहुत मज़े का है जी जनाब। अब आपने ये केचप की रेसिपी देखी है, इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और छोटे बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट डिश होती है।